कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई में जब मैं खाना ट्राई कर रहा था तो मुझे ना बहुत अच्छे अमरूद मिल रहे थे। तो मुझे मेरा फ्रेंड बताया कि मुंबई में सबसे बेस्ट अमरूद मिलते हैं। और तो और मैंने ना अमरूद खाने लगा, वहाँ पर एक चाट बना के देता है, क्या फैंटास्टिक लगता है अमरूद का चाट। और तो और आपको आइसक्रीम भी मिलते हैं, जी हाँ, अमरूद फ्लेवर आइसक्रीम ऊपर में सॉल्ट डाल के, जी हाँ सॉल्ट, और ये ना चाट मसाला डाल के, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। तब मैंने डिसाइड किया था कि चलो यार कुछ बनाते हैं मुंबई वासियों के लिए, मुंबई के लिए कुछ बनाते हैं। तो मैंने इस गर्मी में डिसाइड किया कि बियर कॉकटेल बनाएंगे और वो भी अमरूद फ्लेवर के साथ। और नाम क्या रखा मालूम? थकेले ड्रिंक्स। या ये थकेले वर्ड भी मैंने मुंबई से ही सीखा था, तो मैंने अपना ये ड्रिंक का नाम थकेले ड्रिंक रख दिया। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है ना। चलिए इस ड्रिंक को बनाते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये है वो इंग्रेडिएंट लिस्ट, आराम से देख लीजिए और जुगाड़ कर लीजिए, बहुत ही फैंटास्टिक ड्रिंक बनने वाला है। बाय द वे, सबसे पहले आपको चाहिए एक फैंटास्टिक ग्लास। ये रहा वो फैंटास्टिक ग्लास, लंबा टॉल ग्लास, क्योंकि बियर ड्रिंक है और ये टॉल होने से अच्छा लगता है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो रिम है इसमें थोड़ा सा जलजीरा से रिम कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइम लूंगा और इसको काटूंगा बीच में से, यहाँ से, और ये जो लाइम का जूस है इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा ऐसे, देखिए, सो दैट ये थोड़ा सा ऊपर से हल्का भीग जाए और जैसे कि हम अगर रिम करना चाहे तो आराम से रिम कर पाए। ये देखिए मैंने जलजीरा ऑलरेडी पोर करके रखा था, मतलब खोल के रखा था, जो मेरा काम भी आसानी बन जाए। तो ये जलजीरा को मैं यहाँ से रिम कर दूंगा। आप चाट मसाला भी दे सकते हैं और अगर आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी दे सकते हैं। ये देखिए ये एक फैंटास्टिक रिम बन गया है ना, कितना शानदार देखने में लग रहा है। अभी ये ग्लास में हम लोग पोर करेंगे बाकी सारे ड्रिंक्स। जैसे कि इस कॉकटेल को मैं गुआवा से बनाऊंगा, तो यस मैं यहाँ पर गुआवा जूस डालने वाला हूँ और मैं इसको डालूंगा सिर्फ 30 ml। 30 ml से ये कमाल का ड्रिंक बन जाएगा। तो चलिए 30 ml डाल देते हैं। ये रहा 30 ml गुआवा जूस। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने से, मतलब हल्का ट्विस्ट देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा जलजीरा भी दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा जलजीरा दे दूंगा। आप चाहे तो थोड़ा नमक भी दे सकते हैं अगर आपके पास जलजीरा नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लाइम जूस, सो दैट ये ना सेक्सी बन जाए, टेस्ट में सेक्सी। तो चलिए लाइम जूस को थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं। अराउंड 5 ml लाइम जूस काफ़ी है, आप देख लीजिएगा। अगर लाइम छोटा होता है तो एक होल लाइम दे दीजिए, अगर बड़ा होता है तो हाफ लाइम, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, अब तो सिंपली बियर को पोर कर देना है। ये देखिए मैंने एक ठंडा ठंडा बियर लाया था ट्यूब ऑफ, तो इसी को पोर कर देते हैं, है ना। चलिए इसको पोर करते हैं आराम से, थोड़ा सा ये फ्रोती बन जाएगा क्योंकि इसमें स्पाइसेस है, तो मैं बीच में इसको ट्विस्ट कर लूंगा थोड़ा सा, ये यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, सो दैट ये जो अंदरूनी इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। याद रखिएगा कि हम लोग को हिंट ऑफ गुआवा चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गुआवा फ्लेवर, हल्का गुआवा चाहिए। तो ये देखिए कितना सारा फ्रॉथ जनरेट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा आपको ये फ्रॉथ को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए आपको बीच बीच में थोड़ा सा स्टर करना है। आपका ड्रिंक ऑलमोस्ट बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये बियर को खाली पोर करके आपका ये ड्रिंक को कंप्लीट करना है। तो ये बस अभी गार्निश की बारी। और गार्निश में आपको क्या देना है, मैंने ना ऑलरेडी ये जो गुआवा है, गुआवा को मैंने काट के रखा था, तो उसी गुआवा को मैं यहाँ पर एज ए गार्निश दे दूंगा। तो ये देखिए मैंने काट के रखा था, ये गुआवा को मैं ऐसे करके खोल के लगा दूंगा ऊपर, ये देखिए ऐसे। वाओ कैसा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है ना। अब टेस्ट की बारी, तो फिर इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, बाद में खा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी टेस्ट कीजिएगा ये जो रिम है इसके साथ कीजिएगा, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा आपको। और बियर का जो बिटरनेस जिसको ज्यादा पसंद नहीं है उसके लिए तो ये ड्रिंक अल्टीमेट है। तो
वीडियो कैसा लगा, ड्रिंक कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।